नमस्कार, मैं गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से कई थाना क्षेत्रों में नशेड़ियों व असामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां विशेष समुदाय से जुड़े एक नशेड़ी युवक का नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देना युवक को निवासियों ने पकड़ लिया है और पुलिस के सुपुर्द किया है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र स्थित रहने वाले नाबालिग युवती के साथ विशेष समुदाय से जुड़े नशेड़ी युवक द्वारा छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। जब युवती ने इसका विरोध किया तो वहां के रहवासियों द्वारा युवती के बचाव में उतर कर नशेड़ी युवक की जमकर पिटाई की और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जब पूरी घटना की जानकारी हिंदू संगठनों को लगी तो थाने पर सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता थाने पहुंचे और पूरे मामले में पुलिस को छेड़छाड़ सहित पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज की मांग करने लगे। इसके बाद पुलिस ने पूरे ही मामले में नाबालिग युवती के परिजनों के अनुसार पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर नशेड़ी युवक को सलाखों के पीछे कर दिया। बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय से जुड़ा नशेड़ी युवक शेख मोहसिन चंद्रनगर का रहने वाला है और नशे का आदि है। बताते हैं ये शहर का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बाणगंगा थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय से जुड़े युवक घर में घुसकर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। इसको लेकर शहर सहित प्रदेश में काफी बवाल हुआ था। 5-6 बजे के आसपास की घटना है। मैसेज चलने लगे और काफ़ी संगठनों द्वारा मैसेज चलाया गया कि यहाँ पर द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक 11 साल की सिंधी बालिका के साथ मुस्लिम लड़के ने कोई हरकत करने का कृत्य किया है, कोशिश की है। तो उसके कारण हम सब संगठन यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, शिवसेना, सभी के पदाधिकारी यहाँ पर आए और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में और अन्य धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कराया गया। क्षेत्र में अभी एक FIR हुई है, रिपोर्ट है, जिसमें आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोप मुख्य रूप से जो महिला का ये कहना है कि उनकी 10 साल की बच्ची है नाबालिग, उस बच्ची को ये आरोपी पीछा कर रहा था और इस आरोपी के द्वारा इसका हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास किया गया। इस पर 354 और पॉस्को एक्ट और 363 विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीवन किया गया है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, इसमें विस्तृत विवेचना की जा रही है। ये इस बात को लेकर कुछ लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन चूँकि कार्रवाई प्रॉपर कार्रवाई पुलिस के द्वारा FIR पहले ही की जा चुकी है, जो लीगल एक्शन बनता है प्रॉपर लिया जा चुका है, आरोपी को अरेस्ट किया जा चुका है, तो कोई ऐसी बात नहीं है।